बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों 3 फरवरी 2024 को क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और इस वीडियो में हम आपके सामाजिक विज्ञान में आने वाले प्रश्नों में से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, पारसनाथ, कालीघाट या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर है पारसनाथ। पारसनाथ जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ठीक है, यह झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है और यह जो पहाड़ है वो जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है उनमें से एक है। बात की जाए यहाँ पे पहले विकल्प माउंट एवरेस्ट की, तो यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है? सगुल, डमकच, बिहू या ओनम? बताना है बच्चा कौन सा जो नृत्य है वो विवाह के समय करते हैं। बिल्कुल सही, यहाँ पे सही उत्तर है बी, डमकच। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन द्रविड़ भाषा परिवार में है? कुड़ुक, मालतो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। द्रविड़ भाषा परिवार हमें बताना है। बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर है दोनों। यहाँ पे जो कुड़ुक है मालतो है ये दोनों द्रविड़ भाषा परिवार में हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कई बोली इनमें बोली जाती है, जैसे कि तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़, मलयालम। ठीक है, और भाषाएं में डोंगी, ब्रावी, कुड़ुक, मालतो ये सभी हुए हैं। इसकी लिपि पूछा जाए तो ये लिपि ब्राह्मी लिपि हो जाएगा इनकी। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्ड्स, डाउन्स, प्रेरीज या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है सी, प्रेरीज। आपको कुछ घास के मैदानों को याद रखना है जिसमें से यहाँ मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंस करवाए हैं, आप इन्हें ज़रूर नोट कीजिए बच्चा, ये आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला याद रखना है यूरेशिया, यूरेशिया के घास के मैदानों को स्टेपीज कहा जाता है। न्यूजीलैंड के घास के मैदानों को कैंटवरी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को वेल्ड्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है और दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को पम्पास कहा जाता है। तो ये हैं आपको प्रमुख रूप से घास के मैदान। पांचवा प्रश्न है, कहाँ के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है? देखिए इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रेड इंडियन तो वे ज़्यादातर इंडिया बता देंगे, लेकिन इंडिया यहाँ पे सही उत्तर नहीं होगा। सही उत्तर यहाँ पे होगा अमेरिका। अमेरिका के जो मूल निवासी है, जो प्रेरी क्षेत्र में निवास करते हैं, उन्हें रेड इंडियन कहा जाता है। ठीक है बच्चा, याद रखना है रेड इंडियन उन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है, 2011 के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर क्या है? बताना है 2011 के अनुसार। विकल्प दे रखा है 45%, 67.63%, 23% या 50%। सही उत्तर होगा बी, 67%। अभी आपको भारत में पूछा जाए कि भारत की साक्षरता दर 2023 या फिर कितनी है, तो ये फिर 77.7% लगभग है।
लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करने में किसकी अहम भूमिका है? धन, शिक्षा, समय या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षा की अहम भूमिका है। लोग शिक्षित होंगे तभी लड़की और लड़का के बीच भेदभाव को कम करेंगे, ठीक है। लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है कि काम के आधार पर लड़का और लड़की को बांट दिया जाता है कि यह काम सिर्फ लड़का ही करेगा, या फिर लड़कियों को कुछ काम करने से रोका जाता है कि ये सारे काम लड़कियां नहीं कर पाएगी, सिर्फ घर के काम को करेगी। तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता है। इन सभी को शिक्षा के आधार पर ही खत्म किया जा सकता है। किसके कारण समाज में स्त्री पुरुष से अलग अलग अपेक्षाएँ की जाती है? रूढ़िवादी धारणा, सामान्य धारणा, विचारवादी या इनमें से कोई नहीं? तो रूढ़िवादी धारणा जो पुरानी सोच है लोगों के बीच, उन्हीं के अनुसार स्त्री और पुरुष में भिन्नताएं की जाती है। नौवां प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विकल्प दे रखा है किरण बेदी, सोनिया गांधी, अरुंधति भट्टाचार्य या फिर इनमें से कोई नहीं? बताना है बच्चा, बिल्कुल सही, सही उत्तर होगा सी, अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य 7 अक्टूबर 2013 ठीक है, ये भारतीय स्टेट बैंक की महिला अध्यक्ष बनी थी। बात की जाए इंदिरा गांधी तो ये भारत की प्रथम आईपीएस महिला अधिकारी थी। दसवां प्रश्न है, दीपाली अमृत खलखो किन से संबंधित है? बात करना है यहाँ पे दीपालो अमृत खलखो का। रेलवे इंजन ड्राइवर, टेनिस खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ सही उत्तर होगा रेलवे इंजन खिलाड़ी। रेलवे इंजन खिलाड़ी है दीपाली अमृत खलखो। तो बच्चा यह था आपके वीकली टेस्ट में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू बच्चा।